हेलो गाइस वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप पीपल यू आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम माय यूट्यूब वीडियोस आज की वीडियो में बात करेंगे दो तो बड़ी अपडेट्स के बारे में स्पेशली जो कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से है पहली बड़ी अपडेट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से है दूसरी अपडेट कनाडा इमिग्रेशन के बारे में है सो हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती हैं काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेलाइकन बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक जैनुअन एक ओथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ और अगर आपको वीज़ा फाइलिंग में कोई हेल्प चाहिए स्टूडेंट वीजा एस ओ पी में कोई हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट एस एनी टाइम सो गाइज सबसे पहली जो बड़ी अपडेट जस्टिन ट्रूडो की तरफ से है जस्टिन ट्रूडो की फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया थर्टी फाइव मिलियन डॉलर की फंडिंग फॉर अपकमिंग थ्री ईयर्स किसी भी प्रोग्राम को जब एक पीक लेवल पे लेके जाना हो या किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस बनाना हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो किसी भी तरह की गेम हो तो उसमें फंडिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है तो कैनेडा गवर्नमेंट ने रिसेंटली थर्टी फाइव मिलियन की फंडिंग अनाउंस की है डिफरेंट डिफरेंट पायलट्स प्रोग्राम के लिए फाइल प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये फंडिंग उन्होंने अनाउंस किया है इमिग्रेशन सेक्टर के लिए बेसिकली ये फंडिंग किस सिस्टम में यूज़ होगी आगे इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस हैं ठीक है नए रीसेटलमेंट प्लान और नए पायलट प्रोग्राम कनाडा लेकर आता है और बेसिकली इस फंडिंग का 25 मिलियन यूज़ किया जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया अलबर्टा मैरी न्यू ब्रंसविक में डिफरेंट डिफरेंट इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आफ्टर दैट जो बचा हुआ पैसा है उसको यूज़ किया जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट पायलट प्रोग्राम्स आते हैं ठीक है उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है बिकॉज फंडिंग के बिना किसी भी सेक्टर की सक्सेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कनाडा के इमिग्रेशन प्लान को लेकर जैसे आप सभी को पता है कि अक्टूबर 2020 में कनाडा ने सरप्राइजिंगली एक अपडेट दी थी कि जिसमें उन्होंने आने वाले तीन सालों में जो एक मिलियन प्लस इमिग्रेंट्स का टारगेट अचीव करने के बारे में बोला था तो बेसिकली कनाडा का जो एक सिस्टम है हर साल वो अक्टूबर नवंबर में अपनी आने वाली जो उनकी स्ट्रेटजी होती है आने वाले इमिग्रेशन प्लान होते हैं उस चीज़ के बारे में बात करता है लेकिन रिसेंट ये 2020 में क्या हुआ कि सितंबर में इलेक्शन कंडक्ट हुए ठीक है उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो चला नहीं तो बेसिकली ये कंडीशन होती है कि जब पार्लियामेंट के फर्स्ट थर्टी सिटिंग डेज होते हैं। उसमें जो कनाडा के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर जैसे अभी शॉन फ्रेज़र हैं उनको अपना जो नया प्लान है वो डिस्क्लोज करना होता है इट इज़ मैंडेटरी तो उस हिसाब से जो पार्लियामेंट की सिटिंग हुई वह नवंबर ट्वेंटी टू को हुई और उसके बाद हॉलीडेज़ आ गए तो so, उस हिसाब से जो नया इमिग्रेशन प्लान है 2022 से लेकर 2024 तक कैसे ये वर्क करेगा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट आने वाली है फेबररी 11 से पहले पहले जब फेबररी 11 तक क्योंकि 30 सिटिंग डेज तब तक कंप्लीट हो जाएंगे और कनाडा के इमिग्रेशन सेक्टर को उस चीज़ के ऊपर अपडेट देनी पड़ेगी कि कैसे आने वाले साल्स में वो प्रोग्रेस करेंगे किस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली वो बात करेंगे इसके अलावा कंजर्वेटिव ने एक बार फिर से पार्ली मेंट में बैकलॉग का मुद्दा उठाया बिकॉज एप्लीकेशन बहुत हैं। प्रोसेस भी बहुत हो रही है बट फिर भी उस पेस से उस स्पीड से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं तो इन दो अपडेट्स के बारे में अगर आप कुछ और रीड करना चाहते हो या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप खुद वहां जाकर इन अपडेट्स के बारे में चेक कर सकते हो तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को लाइक करना मत भूलना किसी भी तरह की हेल्प चाहिए स्टूडेंट वीज़ा एस में वीज़ा प्रोसेसिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो देन यू कैन अस एनी टाइम और दूसरी चीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है उसे भी ज्वाइन कीजिए जितनी भी अपडेट्स आती है स्टूडेंट वीजा की ट्रैवल की इमिग्रेशन की सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं थैंक यू गाइज